हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी नॉर्मल क्लास से कुछ अलग हटके करने वाले हैं। इसे आप क्विक टिप भी बोल सकते हैं और चाहे तो एक मेरा सजेशन भी। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं किन किन शॉर्टकट्स का यूज़ करती हूँ अपने कीबोर्ड पे, जिनसे मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए, अपने काम को आसान करने के लिए आज हम सभी उन शॉर्टकट्स को जान लेते हैं। सभी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए जरूरी है कि हमारे दोनों विंडो में हमारे पास कुछ होना चाहिए, हमारे गार्मेंट और हमारा अवतार। तो हम उन दोनों को जल्दी से लोड कर लेते हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट है Ctrl+Z। आप अपने पूरी फाइल में, अपने पूरे प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंजेस करते हैं, एक छोटी से छोटी चीज अगर इधर से उठा के उधर भी रख देते हैं तो उसको भी आप Ctrl+Z से वापस कर सकते हैं। चाहे वो कोई एडिट हो जो आपने अपने एडिट टूल की मदद से किया है या कोई और चेंज। तो अगर इस तरीके से आपकी कोई शेप गलत भी हो गई है तो आप Ctrl+Z कर सकते हैं और उस पर वापस जा सकते हैं। तो ये वाला शॉर्टकट हर जगह काम करता है, आपकी हर फाइल में काम करता है, तो इसलिए काफ़ी फेमस शॉर्टकट है। तो आप यहाँ अपने एडिट वाले ऑप्शन में जाके भी देख सकते हैं कि इसका क्या शॉर्टकट है और हमें कैसे पता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है Ctrl+Y। ये वाला शॉर्टकट है अपने किसी भी काम को रीडू करने का। तो अगर हम Ctrl+Y करते हैं तो हमारी स्लीव फिर से वैसी हो जाएगी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कर दी थी। तो कुछ सॉफ्टवेयर में इसका शॉर्टकट हमारे रीडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+Z, पर इस वाले सॉफ्टवेयर में हमें मिलता है Ctrl+Y। तो आप अंडू कर सकते हैं और रिडू कर सकते हैं इन दोनों शॉर्टकट्स की मदद से अपने काम को बहुत ही सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि किस तरीके से हम अपने अवतार के जॉइंट्स को एकदम से देख सकते हैं। तो अगर आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट और एक्स दबाएंगे तो आपको इस तरीके से उसका एक्सरे दिखने लग जाएगा, उसके सारे जॉइंट्स दिखने लग जाएंगे। तो आप यहाँ से अपने पोज बदलते हैं और इसका शॉर्टकट हमें कहाँ से पता लगा है, यहाँ से। तो ये है हमारा शो एक्सरे जॉइंट। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है Shift+X। तो आप सिंपली यहाँ से टॉगल कर सकते हैं जब आप पोज बना रहे होते हैं। बार बार यहाँ जाना बहुत ही हसल का काम है, तो आप उस काम को आसान कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम काफ़ी फेमस हमारे ऑप्शन पे, वो होता है Ctrl+C और Ctrl+V। ये वाले शॉर्टकट्स भी हमारे ऑल ओवर चलते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी टूल को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका कॉपी और पेस्ट, मतलब Ctrl+C और Ctrl+V फॉर पेस्ट, ये हर जगह काम आते हैं। तो जल्दी से इन वाले शॉर्टकट्स का यूज़ करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, बल जाए कि हम उसको राइट क्लिक करें और फिर कॉपी करें और फिर से राइट क्लिक करें और पेस्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है Ctrl+N। तो हमें अगर कोई भी नई फाइल खोलनी होती है तो हम सीधा सिंपली एक Ctrl+N करेंगे और जो इस समय हमारी फाइल खुली हुई है वो क्लोज हो जाएगी और हमारे लिए एक नया वर्किंग स्पेस तैयार हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट उन सभी ऑप्शंस पे चलते हैं जिनसे हम अपने टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी 2D विंडो में हमें ये वाला ऑप्शन दिखाई देता है, हमारा सिलेक्ट टूल, जिसका शॉर्टकट है A। तो आपने अगर कोई भी टूल सिलेक्ट किया हुआ है अपनी विंडो में और आप सीधा एक A प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो आपका ये वाला टूल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके जस्ट नेक्स्ट में आपको हमारा एडिट टूल दिखाई दे रहा है, तो इसका शॉर्टकट होता है Z। तो Z करते ही आप इस वाले टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी चीज़ों में एडिट्स करते टाइम आप इन शॉर्टकट्स में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, तो बार बार यहाँ ऊपर जाके उसको सिलेक्ट करने से अच्छा है सीधा सीधा अपने कीबोर्ड पे उस बटन को प्रेस कर लीजिए। एडिट टूल के सिलेक्ट करने के बाद हमें काम आता है हमारा कर्वेचर टूल। कभी भी हमें एक स्ट्रेट लाइन में कर्व डालना होता है तो हमें अपने कीबोर्ड पे सी दबाना है और हमारा कर्वेचर टूल एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हम अपने पैटर्न में कर्व्स ऐड कर सकते हैं। हम Ctrl+Z कर लेते हैं। कर्वेचर टूल के बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टूल। तो बार बार अपने एडिट टूल को यूज़ करते हुए स्प्लिट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो सकता है,
तो हम सीधा सीधा अपने इस वाले पॉइंट टूल का यूज कर सकते हैं जो हमें यहाँ मिला हुआ है, और इसका शॉर्टकट है एक्स। तो एक्स दबाते ही आप इस वाले टूल का यूज कर सकते हैं और अपने पैटर्न में कहीं भी पॉइंट डाल सकते हैं। केवल एक सिंगल क्लिक करने की जगह आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको वही ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपका एडिट टूल वाला स्प्लिट आपको देता है। पॉइंट टूल के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे ट्रेस टूल पे। हम इसका भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अगर हम एक पैटर्न में से दूसरा पैटर्न निकाल रहे होते हैं या किसी इंटरनल लाइन को उसके पैटर्न में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके दौरान हमारे ट्रेस टूल की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आई वाले कीबोर्ड बटन का जरूर यूज़ करती हूँ जिससे मैं अपने ट्रेस टूल पे जल्दी से पहुँच जाती हूँ। बीच में भी हमने कुछ टूल्स ऐसे छोड़ दिए हैं जिनके शॉर्टकट्स हमें अवेलेबल हैं, जिनमें से हमारे कुछ ऑप्शंस आते हैं हमारे शेप वाले, तो पॉलीगन, रेक्टेंगल और एलिप्स। ये सारे टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए भी हमें शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, पर हमें इन पे बार बार टॉगल नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं इन वाले शॉर्टकट्स का यूज़ नहीं करती। आप चाहते हैं तो इन शॉर्टकट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ट्रेस टूल के बाद हमारे नेक्स्ट है हमारे सारे स्विंग टूल्स। तो इन तीनों स्विंग टूल्स के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। तो हमें अगर एडिट टूल सिलेक्ट करना हो अपना एडिट स्विंग टूल, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड पे बी दबाइए। सेगमेंट टूल सिलेक्ट करना है तो आप एन दबा सकते हैं, और अगर फ्री स्विंग टूल सिलेक्ट करना है तो आप एम दबा सकते हैं। तो इस तरीके से कभी भी सिलाई करनी होती है, जल्दी जल्दी मुझे अपने टूल्स चेंज करने हैं कि सेगमेंट से मुझे फ्री स्विंग टूल यूज़ करना है, फ्री स्विंग टूल से मुझे सेगमेंट टूल पे जाना है, कभी बीच में एडिट स्विंग टूल यूज़ करना है, तो इन तीनों टूल्स के बीच में झूलने से अच्छा है कि मैं अपने कीबोर्ड पे इन बटन्स को सिंपली प्रेस कर दूँ। तो ये वाले जो स्विंग के टूल हैं हमारी 3D विंडो में भी अवेलेबल हैं, और इनके शॉर्टकट्स यहाँ हमारी 3D विंडो में नहीं लिखे हुए हैं, पर अगर आप जैसे ही यहाँ पे अपना फ्री स्विंग टूल या सेगमेंट स्विंग टूल या एडिट स्विंग टूल सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी 3D विंडो में भी वही टूल एक्टिवेट हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो अगर हम बी दबाएंगे तो हमारी दोनों विंडो में ही वही टूल ओपन हो चुका है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मेरा टूल सिलेक्टेड नहीं है, केवल और केवल आपकी 3D विंडो में आपका एक सिलेक्ट टूल है जिसका एक अलग ऑप्शन है, और वो है क्यू। तो ए और जेड के अलावा आपको अगर अपनी 3D विंडो में कोई अलग टूल यूज करना है तो आप उसके लिए क्यू दबा सकते हैं और आपका सिलेक्ट टूल ओपन हो जाएगा, अगर इनमें से कोई और टूल खुला हुआ है तो। फिर नेक्स्ट है हमारा सिमुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाला शॉर्टकट, और वो है हमारा स्पेस बार। कीबोर्ड में हमारे सबसे बड़ा होता है और यहाँ पे हमारे बड़े काम आता है, क्योंकि बार बार गारमेंट को सिमुलेट करके देखना है और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो फिर से सिमुलेशन ऑफ करनी है, तो इस चीज़ के लिए हम अपने स्पेस बार का यूज़ करते हैं जिससे हमारी सिमुलेशन बार बार ऑन या ऑफ हो सके। फिर नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट ए। शिफ्ट ए हमारे लिए एक शॉर्टकट है हमारे अवतार को अपनी 3D विंडो में से हाइड करने के लिए। तो अगर आप सोचें कि ये कहाँ से आया है, तो आप जब अपनी 3D विंडो में जाएंगे तो यहाँ आपको अवतार का ऑप्शन मिलता है और इसी के साथ साथ लिखा है शिफ्ट ए। तो आप इस तरीके से अपने अवतार को जल्दी जल्दी हाइड करना चाहते हैं तो आप वो सब कर सकते हैं। अवतार हाइड करने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है और वो है शिफ्ट प्लस F। तो ये क्या काम करता है, ये हमारे अरेंजमेंट पॉइंट्स को हमें दिखाता है। तो जैसे ही हम शिफ्ट प्लस F दबाएंगे हमें हमारे ये वाले ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे जिसके थ्रू हम अपने गारमेंट को इस पे एडजस्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये वाला जो गारमेंट पीस है वो इस समय अपनी 2D स्टेट में है, इस तरीके से यहाँ विंडो पे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ये ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट्स पे आ जाएगा, आपको दिखाई देने लगेगा एक छोटा सा प्रीव्यू जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप अपने पैटर्न को अपने अवतार पे ओवरऑल कहाँ सेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको आपके डिज़ायर्ड स्पेस मिल जाए आप वहाँ सेलेक्ट कीजिए और आपका जो पैटर्न है वहाँ अटैच हो जाएगा। तो आपको बार बार इस तरीके से उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा अपने पूरे अवतार पे। और इसका शॉर्टकट हमें पता चलता है यहाँ से, हमारी 3D विंडो में हमारे अवतार से रिलेटेड सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। तो ये हमारे इस
अरेंजमेंट पॉइंट्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है शिफ्ट प्लस एफ, जिससे हमारा ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। 3D विंडो से रिलेटेड एक और शॉर्टकट है जिसका मुझे कई बार यूज करना पड़ जाता है, और वो है हमारे पिन टूल को रिमूव करने का। तो कई बार होता है कि हमने अपने गारमेंट में कई टुकड़ों में पिंस ऐड करी हुई होती हैं, और उन सभी को एक एक करके रिमूव करना, मतलब एक बार उन पर राइट क्लिक करो और फिर उनको डिलीट करो, बहुत ही लंबा काम हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सीधा कंट्रोल W कर देती हूँ अगर मुझे सारी पिंस को डिलीट करना होता है, या तो आप किसी एक पिन पर राइट क्लिक करके उन सभी पिंस को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा एक कंट्रोल W करती हूँ और मेरी सारी पिंस चली जाती हैं। हम वापस अपने 3D विंडो के सिलेक्ट टूल पे चलते हैं क्यू बटन यूज करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे व्यू पॉइंट्स। तो कई बार होता है कि हम अपने गारमेंट को देखने की जगह अपने गारमेंट से इतना ज़्यादा दूर हो जाते हैं कि हमें हमारा गारमेंट ही पूरी विंडो में दिखाई नहीं दे रहा होता है, चाहे हम अपनी पूरी विंडो में रोटेट करके देखें तब भी। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं अपने कीबोर्ड पे 2 दबाती हूँ और मेरा अवतार मेरे सामने आ जाता है, या कहूँ प्रकट हो जाता है। इसी के साथ साथ मैं अपने गारमेंट को कभी कभी और एंगल से देखना भी प्रेफर करती हूँ, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है 8, जो हमें बैक व्यू देता है, 1, जो हमें साइड व्यू देखने में हेल्प करता है, या 3। तो इस तरीके से मैं कभी कभी साइड व्यूज भी देख लेती हूँ, और साथ ही साथ टॉप व्यू, जो हमारे पूरे गारमेंट की हमें टॉप व्यू देता है। तो इन सभी चीज़ों के शॉर्टकट्स हमें, अगर हम अपनी 3D विंडो में राइट क्लिक करेंगे तो हमें वो सभी शॉर्टकट्स दिखाई देने लगेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ से राइट क्लिक करके भी उन सभी एंगल्स को ओपन कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड बटन का यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। इसके बाद हमारा लास्ट शॉर्टकट है, और वो हमारी 2D विंडो से रिलेटेड है। 3D विंडो में जिस तरह से हम अपने अवतार को खो सकते हैं, उसी तरीके से हम अपने गारमेंट्स में भी कहीं खो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा शॉर्टकट है, शिफ्ट प्लस ये वाला ब्रैकेट। अगर मेरा कोई गारमेंट मेरी विंडो से, मेरे उस एरिया से थोड़ा सा बाहर है, तो मेरे व्यू पॉइंट पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, और वो केवल और केवल हमारे इन गारमेंट्स को ना दिखा के साथ ही साथ हमारे उस बनाए हुए गारमेंट को भी दिखाने लगेगा। तो इससे आपको ये भी पता पड़ पाएगा कि आपकी विंडो में, आपकी 2D विंडो में कोई इररिलेवेंट पैटर्न तो नहीं बना हुआ, क्योंकि अगर इररिलेवेंट पैटर्न नहीं होता आपकी विंडो में, तो केवल और केवल आपको इस तरीके से आपका पैटर्न ही दिखाई देगा। तो ये थे वो सारे शॉर्टकट्स जिनका मैं यूज़ करती हूँ। आप उन सभी शॉर्टकट्स को स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उनका क्या यूज़ है ये भी। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर इससे आपको मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ और लोगों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप चाहें तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी आ सकते हैं, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, मैंने उनका लिंक नीचे डाला हुआ है। और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी आ सकते हैं, जहाँ आप अपने सहपाठियों से बात कर पाएंगे जो सभी आपके साथ यहाँ सीख रहे हैं। कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।